मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इतना कह सकता हूँ कि मैं उनके साथ काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, आप लोग भी काफ़ी अरसे से उनके शोज़ और हमारे शोज़ को देखते आ रहे हैं, बहुत खुशियाँ फैलाई हैं, बहुत ही हंसी मजाक किया है, लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है। तो आज की डेट में जब वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि उनकी तबीयत ज़रा सी ख़राब है, नासाज है, उन्हें थोड़ा सा स्पेस दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, तो मैं सभी लोगों से अपने दोस्तों से मीडिया से सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्हें थोड़ा स्पेस दे दो, उनको अभी रिलैक्स करने दो, उनको ठीक फील नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने इतना इन्जॉय किया है, मुझे बड़ा बुरा लगेगा अगर ऐसा कलाकार जो इतना अच्छा काम कर चुके हैं वो वापस नहीं दिखाई देते तो, या कम वक्त के लिए दिखाई देते हैं। आई रियली विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर रिकवरिंग ऑन हिज हेल्थ एंड ही शुड बी बैक विद अ बैंग। और मुझे क्या मतलब, पूरे देश को इंतज़ार रहता है कि वो कब अपना शो करें, जोश में करें और अच्छा करें, तो वो काम तो वो अच्छा ही करते हैं। देखते हैं, देखिए लोगों के तौर तरीके के बारे में तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि भाई इनका बोलने का तरीका अच्छा नहीं था, लेकिन ये भी एजिटेट हुए एक स्पेसिफिक पोर्टल की वजह से। उस स्पेसिफिक पोर्टल ने मेरे बारे में भी काफ़ी भला बुरा कई बार कहा है, तो मैं भी उस पोर्टल को ज़्यादातर इग्नोर, स्पॉट बॉय नाम है उस पोर्टल का, उसको मैं काफ़ी इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो पता नहीं अपनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाते हैं और बड़ी अजीब अजीब सी बातें करते हैं। तो जेन्युइनली मुझे लगता है कि वो पोर्टल रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है, पर इस बात पे गुस्सा होना वाजिब है, हो जाते हैं, हमको भी बुरा लगता है कभी कभी, हमारे बारे में अजीब चीज़ लिखी जाती है तो बुरा लगता है, लेकिन उस बुरा मानने को किस तरह एक्सप्रेस करना है और किस तरह उसे हैंडल करना है, वो कभी कभार इंसान उसको तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पाते तो ऐसा हो जाता है। पर मैं अभी भी वही कह रहा हूँ कि शुरुआत से ही मतलब वो स्पेसिफिक पोर्टल कपिल के बारे में हमेशा बुरा बुरा लिखते आए हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। मैं खाली कह रहा हूँ कि इतना हंसाया है लोगों को, इतना एंजॉय किया है, जो लिख लिख भी रहे हैं उनके परिवार ने भी बैठ के काफ़ी बार शो देखा होगा और एंजॉय किया होगा, तो ऐसा ना करें यार, मतलब खुशी बांटें, आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें, आप अपना काम करें, हम अपना काम करें, लेकिन खुशियाँ जहाँ तक फैला सकें फैलाएँ, नेगेटिविटी ना फैलाएँ। ये तो फॉर्मेट चेंजेस है, मतलब फॉर्मेट में काफ़ी बड़ा परिवर्तन लाए, गेम शो बना कर लाए, तो शायद गेम शो फॉर्मेट इतना, लेकिन कपिल शर्मा जो अपना स्टैंड अप करते हैं उनका जो हंसी मजाक है पीपल ने वो तो इन्जॉय करते ही हैं, खाली फॉर्मेट नहीं जमा, तो उसकी वजह से कपिल शर्मा का ह्यूमर वैसा नहीं रहा जैसा था, वो बात तो नहीं है, ये एक फॉर्मेटिंग की चीज़ है। और जैसे ही फॉर्मेट को फिर से बदल के हम उसी तरीके से शो को लेके आएंगे जैसे पहले था, तो सारी चीज़ें अपने ट्रैक पर आ जाएंगी। बट एज ऑफ नाउ तो इस हफ्ते हमारा एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हुए और शायद आगे के भी अभी देखेंगे, मतलब अभी बने तो नहीं हैं पर कैसे वापस आते हैं। बट कपिल शर्मा को अगर थोड़ा वक्त चाहिए अपने आप को रिकवर करने के लिए, मेरे ख्याल से हम सबको वो वक्त उन्हें देना चाहिए।